हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी के लिए द बर्ड ऑफ एवन, जिनको विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं, यानी इन्हीं की ये टाइटल है, इनको टाइटल मिली हुई थी द बर्ड ऑफ एवन की, किसको? विलियम शेक्सपियर को, ये आप जानते होंगे। तो इन्हीं के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके TGT, PGT, NET सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ एक बात और कि इस वीडियो के, यानी कोई भी वीडियो, मेरे चैनल का कोई भी वीडियो हो, जब भी आप प्ले करिए उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए, वहाँ कुछ लिंक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है विलियम शेक्सपियर के ऊपर वो है नंबर 1 पॉइंट, बॉर्न इन, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो कि पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में। नोट कर लीजिए जो नए हैं, और जिनको पता है वो थोड़ा सा वेट करिए, आपके लिए भी कुछ पॉइंट्स नए ज़रूर आएंगे। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564, यानी बैप्टाइज्ड का अर्थ होता है बपतिस्मा, संस्कार, ये ईसाइयों में होता है, यानी इसी दिन नाम भी रखा जाता है बालक का या बालिका का, तो बपतिस्मा होता है उसका, तो वही संस्कार है बपतिस्मा। इसको हम ईसाई बनाने का संस्कार भी कहते हैं या नामकरण संस्कार भी कहते हैं। तो इनका बपतिस्मा भी हुआ 26 अप्रैल 1564 को, यानी इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था और इनका बपतिस्मा भी वही हो गया था, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ था और बपतिस्मा भी, जिसको हम एक तरह से जन्म भी कह सकते हैं, वो भी इनका 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फादर, इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, मदर, यानी इनकी माँ का क्या नाम था। तो इनकी माँ का नाम था मेरी ऑर्डन, नोट कर लीजिए। और नंबर 5 है एल्डर सिस्टर्स, यानी इनके दो सगी बहनें थीं जो इनसे बड़ी थीं, यानी दो बड़ी सगी बहनें थीं जिनका नाम था जॉन और जूडिथ, नोट कर लीजिए। यदि आप नोट बनाना चाहते हैं तो बीच बीच में नोट बनाते रहिए, और नोट नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो को कई बार देखिए, यानी फ्रीक्वेंसी में इसको देखते रहिए रुक रुक करके, 2-4-10 दिन के गैप पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 6, यंगर ब्रदर्स, यानी इनके छोटे भाई भी थे जिनकी संख्या 3 थी, गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड, ये तीन इनके यंगर ब्रदर्स थे, नोट कर लीजिए। गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड, यानी पूरे फैमिली का इनका खाका तैयार कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 7, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड विद एन हॉथवे ऑफ 26। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये नेम है इनकी वाइफ का जो कि उस समय 26 साल की थी। एन हैथवे ऑफ 26 का मतलब एन हैथवे जो उस समय 26 साल की थी के साथ इनकी शादी हो गई, कब, जब ये 18 के थे, यानी विलियम शेक्सपियर जब 18 के थे तो इनकी शादी 26 साल की महिला से कर दिया गया जिसका नाम एनी हैथवे था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 8, एन हैथवे वाज 8 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये 8 साल बड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 9, एन हैथवे हैड 3 चिल्ड्रेन, यानी एन हैथवे से विलियम शेक्सपियर को 3 संतान की प्राप्ति हुई थी, जिसमें सुसाना, हैमनेट एंड जूडिथ थे।
ये नेम है इनके संतानों का, जो कि एन हैथवे से हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10, हैमलेट शेक्सपियर वॉज द ओनली सन ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो इस तरह से आप देखते हैं इनकी तीन संतानें, सुसान्ना, हैमलेट एंड जुडिथ। तो सुसान्ना और जुडिथ ये लड़कियां थीं, यानी बेटी थीं, जबकि हैमलेट जो था ये लड़का था, यही एकमात्र लड़का था विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हैमलेट एंड जुडिथ वर ट्विन्स। अब इसमें देखिए तीन संतानों में हैमलेट और जुडिथ जो बात के हैं ये ट्विन्स थे, यानी ये जुड़वा पैदा हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12, हैमलेट डाइड एंड द एज ऑफ 11। तो यहाँ एंड नहीं एट होना चाहिए था, मिसटाइप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो पॉइंट को फिर से देखिए, पॉइंट नंबर 12, हैमलेट डाइड एट द एज ऑफ 11, यानी हैमलेट 11 साल की अवस्था में ही स्पायर कर गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 13, शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर स्टार्टेड अराउंड 1592। यानी आप जान सकते हैं कि शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था लगभग 1592 के आसपास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 14, ही वॉज एन एक्टर एंड प्ले राइट। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ये प्ले राइटर भी थे और एक्टर भी थे, ये अभिनय भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15, ही वॉज लीडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ये क्या है, ये कंपनी नेम है, एक्टर्स की कंपनी थी जिसमें ये लीडिंग रोल में थे, कौन, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है आपके नेट के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16, मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क्स पब्लिश्ड बिटवीन 1589 एंड 1613। तो ये कहा जा रहा है इस पॉइंट में कि जो इनके फेमस वर्क्स थे वो पब्लिश हुए 1589 ईस्वी से लेकर के 1613 ईस्वी के बीच में, यानी ये जो बीच के साल थे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं विलियम शेक्सपियर के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 17, मोस्ट ऑफ हिज प्लेज वर रिटन एज क्वार्टो टेक्स्ट। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नेट के लिए भी, तो क्वार्टो टेक्स्ट को जरूर जानिए। क्वार्टो टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि एक कागज़ को चार परतों में मोड़ने के बाद लिखा जाता है। ठीक है, पहले किसी कागज़ को लीजिए, फिर इसको हाफ मोड़िए, फिर उसके बाद फिर से हाफ मोड़िए, तो इस तरह से उसके चार फोल्ड हो जाते हैं और उस पर जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसे क्वार्टो टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप जान गए क्वार्टो टेक्स्ट को। तो फिर से देखिए इस पॉइंट को, मोस्ट ऑफ हिज प्लेज रिटन एज क्वार्टो टेक्स्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर फोल्डेड फोर वेज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 18, हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क्स वाज प्रिंटेड इन 1623। तो ये साल इम्पोर्टेंट है, 1623 ईस्वी ही वो साल था जब इनका फर्स्ट कलेक्शन इनके वर्क्स का पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था, 1623 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 19, हिज लास्ट थ्री प्लेज वर रिटन विद जॉन फ्लेचर। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यानी इनके जो लास्ट थ्री प्लेज थे ये जॉन फ्लेचर के सहयोग से लिखे गए थे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 20, ही वॉज द नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। यानी विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नेशनल पोइट थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 21, रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज्ड हिम एज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन की बात की जा रही है, ये कुछ आलोचना किए हैं विलियम शेक्सपियर की और कैसे किए हैं, उन लाइनों को देखते हैं। तो वो लाइनें हैं, एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो नवजात कौवा थे। ठीक है, नवजात कौवा कहा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आप स्टार्ट करो, किसने कहा था विलियम शेक्सपियर को। तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन ने।
तो आपको ये देखना है कि एन आप स्टार्ट करो, ये जो टिप्पणी किया, कमेंट किया, क्रिटिसाइज किया रॉबर्ट ग्रीन ने, ये किस बुक में किए? तो ये अपनी बुक ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिट में क्रिटिसाइज किए विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, हिज लास्ट थ्री प्लेज वर कलेबोरेशंस प्रोबेबली विद जॉन फ्लेचर। आप का ये पॉइंट एक बार फिर से देखिए कि जॉन फ्लेचर के साथ, यानी इनके जो लास्ट थ्री प्लेस थे वो लिखे गए थे, तो वही पॉइंट यहाँ कलेबोरेशंस करके आ रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, यानी जॉन फ्लेचर के सहयोग से ही इनके लास्ट थ्री प्लेस कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 23, जॉन फ्लेचर सक्सीडेड हिम एज द हाउस फ्ली राइट, यानी ये घर पे रह करके ये फ्लेस को राइट किया करते थे, तो इनको सफल बनाया हाउस फ्ली राइट के रूप में किसने? जॉन फ्लेचर ने, इन्होंने ही कलेबोरेट किया, इनके साथ सहयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, ब्रैडली हैज़ रिटन अ बुक। आपको यहाँ ध्यान देना है कि ब्रैडली ने एक किताब लिखी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जिसको लिखा गया 1904 में। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये एक बुक है, लिखा गया है ब्रैडली के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं टू क्रिटिसाइज शेक्सपियर, यानी ये भी पूछा जाता है कि शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करने के लिए ब्रैडली ने इस पुस्तक को लिखा था, तो वो पुस्तक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, डॉडेन हैज डिवाइडेड हिज लाइफ इन फोर पार्ट्स इन हिज बुक। डॉडेन ने विलियम शेक्सपियर की लाइफ को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, चलिए देखते हैं, और डिवाइड किया है अपनी किताब शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, जिसको पब्लिश किया गया 1875 ईस्वी में। तो इस किताब में चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट डिवाइड किए हैं विलियम शेक्सपियर के। तो पहला है इन द वर्क्स ऑफ, और दूसरा जो पार्ट है वो है इन द वर्ल्ड, और तीसरा जो पार्ट है आउट ऑफ डेप्थ, और चौथा जो पॉइंट है वो ऑन द हाइट्स, ठीक है। तो आप समझ ही चुके होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 26, लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड हिज लाइफ इन फोर पार्ट्स। तो लॉन्ग, जैसे कि डॉडन ने चार भागों में डिवाइड किए इनके जीवन को, वैसे ही लॉन्ग ने शेक्सपियर की लाइफ को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए पहला देखते हैं एक्सपेरिमेंटल पीरियड, पहला पीरियड एक्सपेरिमेंटल पीरियड है, और दूसरा पीरियड है रैपिड ग्रोथ पीरियड, ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो है शवर्नेस एंड डिप्रेस, और चौथा है ट्रैंक्विलिटी पीरियड। तो इनका जो सी नंबर है यानी सोम्बरनेस एंड डिप्रेशंस, इसका अर्थ है उदासी और खिंचाव की अवस्था, यानी इस पीरियड में ये काफ़ी निराश रहे थे, और उसके बाद जो चौथा है ट्रैंक्विलिटी पीरियड, इसमें ये काफ़ी शांत रहे हैं, यानी शांति की अवस्था। और इनका जो ऊपर का दो पॉइंट है इसको देखिए, एक्सपेरिमेंटल पीरियड यानी प्रयोग की अवस्था, और जो बी है ये रैपिड ग्रोथ पीरियड, यानी बहुत त्वरित गति से इनका विकास हुआ था इस पीरियड में। तो इस तरह से लॉन्ग ने डिवाइड किया इनकी लाइफ को, और इसके ऊपर जो था 25 डॉडन वाला, इसमें इन द वर्क्स ऑफ यानी कार्यशाला की अवधि, इन द वर्ल्ड यानी संसार में जब इन्होंने प्रवेश किया, संसार यानी बाहरी दुनिया में गए तब का, और आउट ऑफ डेप्थ यानी गहराई की अवस्था, गहरे ज्ञान की अवस्था, और उसके बाद ऑन द हाइट्स यानी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचे तब की अवस्था। तो इस तरह से डॉडन ने और लॉन्ग ने इनकी लाइफ को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 27, शेक्सपियर डाइड ऑन 23rd of April। आप देखते हैं 26th of April को इनका जन्म हुआ था, और उसी अप्रैल के 23 जो डेट है उस डेट में इनका डेथ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1564 में, लेकिन इनकी डेथ होती है 1616 में, लेकिन महीना वही है अप्रैल का, जन्म 26 अप्रैल को, मृत 23 अप्रैल को। कहाँ? उसी जगह पे स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में जन्म भी हुआ, और स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में इनकी मृत्यु भी हुई, यूनाइटेड किंगडम में है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है 28, ही वॉज बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च, यानी होली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया। तो इस तरह से बहुत थोड़ा सा पॉइंट्स में लेकर के आया था आपके लिए, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।